क्या आतिशी होंगी आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा? जी हाँ, ये एक लगातार सवाल बना हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उसके बाद से ये संशय बना हुआ था कि शायद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री हो सकती हैं। इसमें एक नाम और सामने आ रहा था, सौरभ भारद्वाज का, कैलाश गौतम और गोपाल राय जैसे मंत्रियों के नामों की खूब चर्चा रही है। लेकिन इसमें एक नाम जो आतिशी का था, ये भी लगातार लिया जा रहा था। और अब ये खबर सामने आई है कि आतिशी मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगी। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगी आतिशी। आतिशी के बारे में आपने लगातार खबरें सुनी होंगी, खूब चर्चाओं में रहती हैं, जिस तरीके से वो काम करती हैं। जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री पद की कमान संभाली और उसके बाद लगातार स्कूलों का वो निरीक्षण करती हुई नजर आती थी। और अब देखा जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारी है वो देने की तैयारियां पार्टी कर रही है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार सवाल बना हुआ था जब से अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और इसमें ताकतवर मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की आतिशी और साथ ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल के अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गौतम, गोपाल राय जैसे मंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे, खूब चर्चाएं हो रही थी। लेकिन इसमें अब जो नाम फाइनल हुआ है वो नाम है आतिशी का। आतिशी को मुख्यमंत्री पद की कमान देने की तैयारी पार्टी कर रही है और इसकी जो चर्चाएं हैं वो लगातार बनी हुई थी। आप ये देखिए, अब आपको एक बार ये भी बता दें कि आखिरकार आतिशी कौन है। आतिशी 8 जून 1981 को इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। आम आदमी पार्टी में ये सजग कार्यकर्ता के रूप में रही हैं, इन्होंने तमाम पद संभाले हैं और अब मुख्यमंत्री पद भी संभालने की तैयारी कर रही हैं। शिक्षा इनकी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई है, मैग्डालेन कॉलेज से, और इन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में जीत हासिल की थी। दिल्ली विधानसभा के सदस्य प्रारंभ 2020 से ये लगातार पार्टी के लिए काम कर रही हैं। आतिशी अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की होने वाली हैं। पार्टी के जो दिग्गज हैं उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है और बहुत ही ताकतवर दमदार ये मंत्री कहलाती रही हैं। और अब देखना ये है कि ये किस तरीके से दिल्ली की कमान संभालने जा रही हैं। इस्तीफा देने के लिए सीएम केजरीवाल ने 2 दिन का समय भी उन्होंने मांगा था कि उनको 2 दिन का समय अभी थोड़ा लगेगा, थोड़ा वो सोच विचार कर लें कि आखिरकार दिल्ली की कमान किसके हाथों में जानी चाहिए। तमाम बड़े नाम सामने आए लेकिन आतिशी का नाम फाइनल हुआ, क्योंकि सबसे विश्वसनीय और सबसे ताकतवर महिला के रूप में ये जानी जाती है आम आदमी पार्टी के अंदर और अब इन्हें दिल्ली की कमान सौंपने जा रही है पार्टी। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 3। नमस्कार।